जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत और आपका बहुत बहुत आभार है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेरोजगारी के ऊपर, और मेरा कहीं भी आपको किसी भी तरह से कुछ नीचा दिखाना मेरा कोई मकसद नहीं है, क्योंकि बेरोजगार को बेरोजगार बोलना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगने से मेरा इन द सेंस कहना है, क्योंकि मैंने भी वो चीज़ें फील की है, मैंने भी उस फेस को देखा है, मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को झेला है, और मैं बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो मुझे वो चीज़ बहुत फील है। लेकिन मुझे ये लिखना ज़रूरी था, इसलिए मैंने लिखा है। मैं आपको ज़रूर इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें बताऊँगा जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगी। दोस्तों देखिए, बेरोजगारी जो है अभी के इस दौर में हम और आप सभी इससे जूझ रहे होंगे, और बहुत से लोग इसको लेकर दिमाग में बहुत सारे टेंशन भी लेकर रखे हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको शेयर कर देना चाहता हूं कि चाहे कैसे भी हालात हो, दिमाग पर प्रेशर नहीं लेना है। प्रेशर लेने से काम होते हैं, मैं मान रहा हूं कि ये होगा, लेकिन दिमाग को जितना जब तक आप शांत नहीं रखेंगे तब तक बहुत सी चीजें शांत नहीं दिखाई देगी। दूसरी बात है, कोशिश करना हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के हाथ में है, और ईश्वर जो है वो सबका पालनहार है। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा बिठाए रखें कि उसने जन्म दिया है तो वो सभी व्यवस्थाएं हमारी करेगी, हम केवल कर्म कर सकते हैं। तीसरी बात है कि कोई काम बड़ा छोटा नहीं होता है। आपके एजुकेशन का स्ट्रीम कुछ अलग है, आप एक अलग स्ट्रीम में जा रहे हैं, अभी फिलहाल जो है मेन और मेन मूलभूत आवश्यकता है दो वक्त का गुजर बसर होना चाहिए, तो हमें उस पर फोकस होना चाहिए और अपना लक्ष्य वही होना चाहिए। अब होता है कि हम जिस स्ट्रीम में होते हैं उसमें जॉब नहीं मिलती है तो हम परेशान होते हैं, और बहुत भारत में और हमारे आसपास कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रीम का एजुकेशन लिया, लेकिन बहुत कम लोग जो अपनी स्ट्रीम में जाकर काम करते हैं वो अलग ही स्ट्रीम में काम करते हैं, उनका एजुकेशन कुछ और था, काम कुछ और कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सा चीज है, मतलब इस चीज को लेकर आप इतना हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं। तो जो भी काम मिले वो काम करके आगे बढ़ाए। चौथी बात है कि इस दरमियान जो फर्जीवाड़े होते हैं ना, जो लोगों को धोखे में फ्रॉड में आकर आप यहाँ आए ये करें वो करें, इनसे थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि हमारी जब हम मजबूर होते हैं ना तो उस मजबूरी के फायदे उठाने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि इन चीजों से भी थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना है। पांचवी चीज है, बिल्कुल पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा, आपका जीवन जो है वो एक पटरी पर आएगा। थोड़े दिनों की बात है, बस इस वक्त को काट लें, पूरी मेहनत करते रहें, और बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। जिनके साथ ईश्वर होता है उनका कभी कुछ अहित नहीं होता है। तो जय श्री महाकाल।